पर स्थित पथवारी देवी मंदिर के महंत नंदराम के द्वारा अपने ही मंदिर के पुजारी देवीदास पर 10 लाख रुपए की हेरा फेरी कर मंदिर से गायब होने का आरोप लगाने का मामला सामने आया है। महंत ने मंदिर के सेवकों द्वारा दिए जाने वाले गेहूं, चावल, गौशाला के लिए भूसे और मंदिर के खर्चे के लिए दिए गए पैसों में देवीदास पर हड़पने के भी आरोप लगाए हैं, जिसमें मंदिर में रहने वाले साधुओं समेत गौशाला में गायों पर भुखमरी का संकट गहराने लगा है। मंदिर में रहने वाले साधु ने बताया कि देवीदास ने गोवर्धन के ग्रामीण क्षेत्रों के गांव देवसेरस, मलसराय, मुडसेरस, नंदगांव समेत मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के कई गांव से मंदिर के नाम पर लगभग 4 लाख रुपए की उगाही की थी, जो मंदिर के पुजारी को मंदिर में जमा करनी थी। मंदिर के महंत के शिष्य आशीष शर्मा ने बताया कि मंदिर की जमीन पर उसके द्वारा बिना अनुमति के मंदिर का अवैध निर्माण कराया जा रहा है, जिसके नाम पर वह मंदिर से जुड़े हुए श्रद्धालुओं से मंदिर के नाम पर अवैध उगाही कर रहा था, जिसकी जानकारी उसने मंदिर महंत नंदराम दास और संरक्षण गणेश दास को नहीं दी। पैसे का हिसाब मांगने पर देवीदास कल सुबह 10 बजे का मंदिर से गायब है। मंदिर के भंडार गृह खाली हैं, गायों का चारा भी समाप्त होने वाला है, जिससे मंदिर पर आर्थिक संकट गहरा गया है। मंदिर में आने वाले सामान को लेकर भी कर्जदार बार बार साधुओं को आकर परेशान कर रहे हैं। ये मैं जा रहा हूँ, मुझे भैया उगाला तो हम जय जाने सालाना की उगाई हुई, अब बान ना तो नाच लाओ गेहूँ नहीं पहले नंदगांव से आए और यहाँ डाल जाए हम तो ये 3 गांव मेरे हते बिल्कुल बंधे, इनसे पूछ रही बाने नाच कोई पतो नहीं और ना पैसा को पतो है कि का है कितने धर गए। और मैंने कही मैंने कि भैया खावे पीवे धर जा जहाँ और ये खर्चा धर जा, ये कर्ज कर दो मैंने बनियों के सौदा दे दे। हाँ दे दे हूँ ऐसी बात दे के बाबा। नाम क्या है उसका, क्या नाम था उसका? नाम बता दे, नाम बताओ, नाम नाम क्या नाम था देवीदास। देवीदास कहाँ का रहने वाला है? एमपी। विवाद में विवाद चल रहा है सर। अच्छा, एक तो आगे निर्माण कार्य चल रहा है जो हमारे जो गुरु जी है इनकी मतलब बिना अनुमति के चल रहा है, और जो हमारे जो पुजारी जी मंदिर के देवीदास जी वो उगाई करके भी लाए, लेकिन मंदिर पे कोई भी सामान उन्होंने लाके नहीं दिया, ना तो अन्न लाके दिया ना धन लाके दिया। अभी बाबा उनसे कह रहे हैं कि भाई लाला बैठ जाए हिसाब किताब कर ले, तो वो कल सुबह प्रातः 10 बजे से गायब है और मंदिर के अंदर वो आ नहीं रहा है, ना कोई हिसाब किताब दे रहा और ना कुछ बता रहा। और मंदिर की अवस्था ये है, आप खुद देख लो, गऊँ भी खाली है, खाली थोड़ा बहुत भूस जरूर पड़ा है गैयाओं के लिए, बाकी मंदिर में कुछ सामान नहीं है।